नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं शादाब अली और क्रिकेट टुडे में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सचिन तेंदुलकर हुए हनुमा विहारी के मुरीद। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने स्टार बल्लेबाज हनुमा विहारी की जमकर तारीफ की है। लिटिल मास्टर ने कहा कि हनुमा विहारी सही समय पर सही शॉट खेलते हैं और उनमें एकाग्रता और मानसिकता और दबाव झेलने की बेहतरीन क्षमता है, जिससे मैं काफी प्रभावित हूं। उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट में आपको कई चीजों की परीक्षा देनी होती है। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपका शारीरिक हाव भाव बिल्कुल अलग तरह से होता है, जो मैंने विहारी में देखा है। गौरतलब है कि हनुमा विहारी ने हाल ही में संपन्न वेस्टइंडीज दौरे पर शानदार प्रदर्शन कर कई दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। ऐसे में अब सचिन तेंदुलकर ने भी हनुमा विहारी की जमकर तारीफ की है। एंडी फ्लावर बन सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और इंग्लैंड के पूर्व कोच एंडी फ्लावर आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे राजस्थान के हेड कोच पैडी अपटन की जगह लेंगे। बता दें कि फ्लावर इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के साथ लंबे समय तक बतौर कोच सफल पारी खेल चुके हैं, जहां उन्होंने अंग्रेजी टीम को 2009 टी20 वर्ल्ड कप का विश्व कप विजेता बनाया था। इतना ही नहीं, एंडी फ्लावर के मार्गदर्शन में इंग्लैंड ने भारत को भी उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज हराई थी। मालूम हो कि आईपीएल 2019 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा था। ये टीम 7वें नंबर पर रही थी, जहां उन्होंने अपने 13 मैचों में 8 में हार का सामना किया था और 5 में जीत मिली थी। ऐसे में अब राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने एंडी फ्लावर को कोच बनाने का फैसला किया है। कपिल देव ने दिया इस्तीफा। 1983 में भारत को विश्व कप चैंपियन बनाने वाले कप्तान कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई क्रिकेट सलाहकार समिति यानी कि सीएसी के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कपिल ने सीएसी के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले सीएसी के एक और सदस्य शांता रंगास्वामी भी अपना पद छोड़ चुकी हैं। कपिल ने पद छोड़ने के कारण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति सीओए को ईमेल करके अपने फैसले की जानकारी दी है। याद हो, हाल ही में कपिल देव को सीएसी का सदस्य बनाया गया था। बेन स्टॉक्स को मिला बड़ा सम्मान। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्हें पेशेवर क्रिकेटरों के संघ यानी कि पीएसी के पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। स्टॉक्स ने इंग्लैंड की 50 ओवर विश्व कप खिताबी जीत में अहम भूमिका अदा की थी, जिसमें वह जुलाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाटकीय फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे। गौरतलब है कि इंग्लैंड ने आईसीसी विश्व कप 2019 जीतकर पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। तो ये थी दिन की तमाम अहम खबरें। आप बने रहिए क्रिकेट टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।